हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नितिन सुथार रोज़ाना की तरह लगातार आपके समक्ष क्लास टेंथ की वीडियोस को लेकर आ रहा हूँ, क्लास ट्वेल्थ की वीडियोस को लेकर भी आ रहा हूँ। तो देखते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए घर पे, ताकि आपकी स्टडी में व्यवधान पैदा ना हो। तो आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो को आपने देखा होगा, पिछले वीडियो में हमने किया वर्क कर लिया था, एनर्जी कर ली थी, और कल हमने जो किया था वो ये था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, और उसका कहां कहां किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज़ होता है, हमने ये पढ़ा। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी की, यानी स्थितिज ऊर्जा की। हिंदी में कहें तो स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं, किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे, क्या उसका फॉर्मूला होता है, और किस तरीके से हमें पता चलता है कि किसी में पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है। देखिए, हम लोग कहते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं अपने, कि इसका तो पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल का मतलब क्या है, उसके अंदर एक स्टोर की गई एनर्जी है। स्टोर की गई एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे ये बोलते हैं कि उस स्टूडेंट का पोटेंशियल थोड़ा कम है, या उस स्टूडेंट का पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा है, ये बातें कॉमनली अपने बात करते रहते हैं। तो वो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक टाइप की एनर्जी है जो कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी बॉडी में क्या कर सकती है, स्टोर की जा सकती है, और ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको दो एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा, बड़ी आसान एग्ज़ाम्पल हैं। देखिए एग्ज़ाम्पल से, मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है। क्या है आपके पास, एक स्प्रिंग। स्प्रिंग जो है वो रेस्ट कंडीशन में ऐसा है, रेस्ट कंडीशन में कैसा है, ऐसा है। पहली पोजीशन रेस्ट कंडीशन, सेकंड टाइम आपने क्या किया, आपने उस स्प्रिंग को कंप्रेस किया। क्या किया, कंप्रेस किया। कंप्रेस करने से क्या होगा, उसकी शेप इस तरीके की हो जाएगी। ठीक है, यानी उसकी लेंथ यहाँ कुछ ज़्यादा थी, यहाँ कंप्रेस करते क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब आप थर्ड कंडीशन में इसको इलोंगेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इलोंगेट। इलोंगेट का मतलब है इसको बढ़ा रहे हो, खींच रहे हो इसको। खींचने से इसकी लंबाई थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, उसकी लेंथ थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। और उसकी लेंथ ज़्यादा होते ही यहाँ हमें कुछ दो चीज़ें ध्यान में देखने वाली हैं। क्या कि यहाँ था रेस्ट कंडीशन में, उसकी हाइट h है मान लो, कंप्रेस करते ही उसकी हाइट क्या हो गई, मान लो x हो गई, और ये जो हाइट होगी इसकी, ये मान लो आप y। तो सबसे ज़्यादा हाइट कब है, सबसे ज़्यादा हाइट है y इज ग्रेटर देन h इज ग्रेटर देन x। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, ये रेस्ट पोजीशन में था, जब आपने इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स किया, आपने इसके ऊपर वर्क डन किया, इसके ऊपर कार्य किया, आपने इस पर बल लगाया और इसने विस्थापन भी किया, ये कंप्रेस हो गई। कंप्रेस होने से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई है। यहाँ क्या हुआ है, एनर्जी स्टोर हुई है, और उसी एनर्जी के कारण जब आप उसे छोड़ेंगे, जब आप उसे छोड़ेंगे तो वो अपनी मीन वाली कंडीशन के अंदर आ जाएगी, पहले वाली कंडीशन के अंदर ही आ जाएगी, पहले वाली स्थिति में ही आ जाएगी। ऐसा होगा ना, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो इसको वापस पहले वाली कंडीशन में लाएगी। ऐसा इधर भी होगा, यहाँ भी एक टाइप की एनर्जी स्टोर होगी, ऊर्जा जो है यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, और वो कौन सी टाइप की एनर्जी है, वो ये है पोटेंशियल एनर्जी। और वो क्या करती है, जब आपने इसको कंप्रेस किया तो छोड़ते ही वो अपनी मीन पोजीशन में लेके आएगी, और यहाँ जब आपने इसको इलोंगेट किया तो ये इसको छोड़ते ही आप क्या करोगे, वो उसकी मीन वाइल कंडीशन में आ जाएगी, और उस कंडीशन में लाने के लिए जो एनर्जी इसमें यूज़ होगी वो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, बातें समझ में आई। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोजीशन की वजह से। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। चलो लिखते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब है स्टोर की गई एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मैंने आपको धनुष और तीर का एग्जांपल भी दिया था। धनुष और तीर के अंदर क्या था, जब आप धनुष को पीछे खींचते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप उसे छोड़ देते हैं तो वो मूव कंडीशन में आ जाता है, मूविंग कंडीशन में आ जाता है, तो वहाँ हो जाती है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। वहाँ क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है जूल। क्योंकि एनर्जी जो है जितनी भी टाइप की होंगी उन सभी की यूनिट जूल होती है, तो यहाँ पे पोटेंशियल की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। अब देखिए ग्रेविटेशन फील्ड जो होती है उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होता है। देखो हम जानते हैं कि पूरी अर्थ के ऊपर पोटेंशियल लगता है, एक ऐसी एनर्जी लगती है जिसको ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। तो उस फोर्स की वजह से वहाँ पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी होगी, उसको निकालना है अपने। कोई भी चीज़ अपने ऊपर उठाते हैं तो वो वापस नीचे आ जाती है, यानी वहाँ कोई ना कोई एक एनर्जी है जो उसको खींच रही है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षीय स्थितिज ऊर्जा। तो उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वो हमारे पास क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो उसकी एनर्जी की वैल्यू अपने निकालते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है और हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा बल गुणा विस्थापन होगा, होगा ना। तो यहाँ देखिए जो बल लगेगा वो कितना होगा, जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, ग्रेविटेशन एनर्जी जो फोर्स लगाती है उस फोर्स की वैल्यू होती है एम ए। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी चीज़ है एम जी, इसके ऊपर फोर्स लगता है, मास इनटू ग्रेविटेशन, मास इनटू ग्रेविटेशन, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एम जी। और मान लीजिए वो कोई भी चीज़ जो है वो एच हाइट तक गई है, कितनी हाइट तक गई है, एच हाइट तक गई है, तो क्या हो जाएगा, एच हाइट तक गई है तो उसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एच। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी एच। ये हमने पहले भी पढ़ा था, अब भी आपको पता लग गया। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एनर्जी कंजर्व रहती है, कोई भी टाइप की एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, तो इसको आपको समझना है। देखिए एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है जो क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, उसे सिर्फ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में स्थानांतरित किया जा सकता है। यही क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। ठीक है, तो इसी कंजर्वेशन के ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हर जगह सेम रहती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो सेम रहती है हर जगह, किसकी, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की। तो ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। मैकेनिकल एनर्जी क्या थी, एक थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी थी द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की
सम थी, यानी जहाँ पर ये दोनों चीज़ें होंगी पोटेंशियल और काइनेटिक, वहाँ दोनों की जगह साथ साथ क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब पोटेंशियल क्या है, पोजीशन की वजह से। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का, mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या है, जब कोई भी चीज़ मूव कर रही हो तो वहाँ कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, इतनी बातें हो गई। अब अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन क्या कहता है और किस तरीके से वो बातें बोलता है, अपने उसको करते हैं। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है और किस क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से अपने को वो करना है। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, always remains conserved। क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा हर जगह संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है। देखिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे कि कोई ऐसी बॉडी है, क्या है, एक ऐसी बॉडी है जो कि एच हाइट पर स्थित है। ठीक है, ये बॉडी है, इसका मास एम है, मास क्या है, एम है। ये फ्रीली फॉल कर रही है, यानी नीचे गिर रही है, एक पॉइंट पर आ गई, फिर ये बिल्कुल एकदम लास्ट पॉइंट पर आ जाएगी। ये है इसका बेस पॉइंट, या अपना जो भी बेस है, अर्थ के ऊपर आ जाएगी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, तीनों जगह एम है। ठीक है, अब देखिए, ये टोटल हाइट मान लीजिए आप, आपके पास कितनी है, एच, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है यहां से लेके यहां तक, ये है आपका x, तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस x। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये अगर टोटल h है और ये डिस्टेंस x है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी ये वाली, ये क्या होगी, h माइनस x होगी। ठीक है, इज इट क्लियर। ओके, चलो अब अपने बात करते हैं कि किस तरीके से इसको अपने को करना है। सबसे पहले एट पॉइंट ए क्या होता है, पॉइंट ए पर पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास मास एम है। ठीक है, और उसको हम ले गए हाइट एच पे। यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, ये मूव नहीं कर रहा है, यहाँ तक ये मूव नहीं कर रहा है, ये खड़ा है, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पर एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। यानी ई के, ई पी तो है पर ई के एग्जिस्ट नहीं करेगी, काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। तो चलो कितनी होगी ई के, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम जानते हैं ई पी की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है एम जी एच। तो यहाँ भी ग्रेविटेशन जी लग रहा है, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई पी इज इक्वल टू एम जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, और ई के क्या है, जीरो है, तो टोटल मैकेनिकल एम एनर्जी क्या हो जाएगी, ई पी प्लस ई के इज इक्वल टू ई पी की वैल्यू एम जी एच, और ई के की वैल्यू जीरो, यानी टोटल कितना आ गया, एम जी एच आ गया, यानी टोटल एम
इज इक्वल टू एम जी एच, ये आ गई पॉइंट वन पर इक्वेशन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एम जी एच आ गई। ठीक है जी, हो गई ये बात, हो गई जी। अब अपने बात करते हैं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर क्या होगा। बी पॉइंट पर ये होगा, यहाँ से इसने छोड़ दिया, अब ये मूव करना स्टार्ट कर गई, हमने जैसे छोड़ा इसको फ्रीली फॉल करने लग गई, और फ्रीली फॉल करते ही इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी, यानी ई पी और ई के दोनों क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। ओके, अब बात करते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये h माइनस एक्स होगी, और ये डिस्टेंस x होगी। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ h माइनस एक्स होगी और ये x h होगी। तो देखिए यहाँ पर ई पी की वैल्यू निकालते हैं अपने, किसकी वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, ई पी की। तो ई पी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, क्या होता है, एम जी एच होता है। ठीक है, एम जी एच होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हाइट कितनी है, इतनी इसने मूव कर ली, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पर निकाल रहे हैं, इस पॉइंट बी पर इसके पास कितनी हाइट है, एक्स हाइट है, ये फिर से एक्स ही होगा, ये एच ही होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं इसकी हाइट कितनी होगी, h होगी, इसकी हाइट क्या होगी, h होगी। तो h होते ही यहाँ पर क्या बन गई, एम जी एच, तो सॉरी x, x होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, एम जी एक्स, ई पी की वैल्यू होगी एम जी एक्स। अब ई के क्या होता है, ई के होता है हाफ एम वी स्केयर, क्या होता है, ई के हाफ एम वी स्केयर। अगर हाफ एम वी स्केयर होता है तो हमारे पास वी स्केयर तो नहीं है, तो वी स्केयर की वैल्यू निकालते हैं, वी स्केयर चलो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू ए एस, टू ए एस। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, वी स्केयर होता है फाइनल एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी, और यू स्केयर होता है इनिशियल वेलोसिटी, टू ए होता है एक्सेलरेशन, यहाँ ग्रेविटेशन है इसलिए एक ही जगह जी हो जाएगा, और एस होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास वी स्केयर की वैल्यू क्या आएगी, यू स्केयर तो जीरो है क्योंकि इनिशियली यू इज इक्वल टू जीरो था, ठीक है, यू इक्वल टू जीरो था, वो पहले मूव नहीं कर रहा था और अब है उसकी वेलोसिटी कोई ना कोई, प्लस टू ए की जगह जी, और अब उसने कितना मूव कर लिया, उसने मूव कितना कर लिया, तो मूव कितना किया है, मूव कर लिया उसने x, कितना कर लिया, मूव कर लिया उसने x। तो v स्केयर की वैल्यू कितनी आई, v स्केयर की वैल्यू आ गई 2gx, 2g ये x है तो h माइनस एक्स होगी ना, ये तो ये भी क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा, वी स्केयर इज इक्वल टू टू जी एच माइनस टू जी एक्स, ये फॉर्मूला बन गया, वी स्केयर की जगह ये आ जाएगा। अब रखते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, चलो ई के इज इक्वल टू हाफ एम की जगह एम आ जाएगा, और वी स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, 2g h माइनस एक्स, तो 2 से 2 कट गया, ई के की वैल्यू आई एम जी एच माइनस एम जी एक्स, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये आई ई के की वैल्यू एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगी, टोटल मैकेनिकल
एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी पे क्या होगी मैकेनिकल एनर्जी टोटल, दिख रहा है क्या आपको? उस साइड में थोड़ा और स्पेस है, चलो करेंगे। पॉइंट बी पे देखो एम इज इक्वल टू क्या होता है, ई पी प्लस ई के। ई पी की वैल्यू आपने निकाली यहाँ कितनी, एम जी एक्स, और ई के की वैल्यू आपने निकाली एम जी एच माइनस एम जी एक्स, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो ये प्लस एम जी एक्स, ये माइनस एम जी एक्स कट गया, टोटल एम आया एम जी एच। यानी पॉइंट ए पर भी यही था और पॉइंट बी पे भी क्या आ गई, एम जी एच ही आ गई। यानी कहीं ना कहीं वो जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे वो है तो सही, ठीक है। अब अपने करते हैं पॉइंट सी पे, किस पर निकालते हैं, एट पॉइंट सी। ध्यान देना, पॉइंट सी पे आके उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो चुकी है और वो सारी की सारी एनर्जी किस में बदल चुकी है, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि पोटेंशियल तो तब होती है जब वो थोड़ा सा ऊपर उठाई हुई हो, कोई भी चीज़ को ऊपर उठाते हैं तो वो पोटेंशियल है, और जब उसको धीरे 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 नीचे आती रहेगी तो उस सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में बदलती रहती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ जब वो पहुँचेगा पॉइंट सी पे, एम मास की जो भी बॉडी है तो उसके अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी। यानी ई पी वहाँ पर जीरो होगी और ई के एग्जिस्ट करेगी, ई के की वैल्यू होती है हाफ एम वी स्केयर, हाफ एम वी स्केयर। तो यहाँ से एम वी स्केयर की जगह वैल्यू निकालते हैं अपने, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू जी एच होती है। अब उसने कितनी वैल्यू पूरी कर ली, यू स्केयर प्लस टू ए एक्स होता है, टू ए एस। तो वी स्केयर का वी स्केयर, यू स्केयर की जगह जीरो प्लस टू जी और एस, यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना कर लिया उसने, टोटल कर लिया भाई, कितना कर लिया, एच कर लिया, टू जी एच कर लिया, ठीक है, कर लिया। तो वी स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई, टू जी एच, कितनी आ गई, टू जी एच। अब निकालते हैं हाफ एम वी स्केयर वैल्यू निकालते हैं, हाफ ई के की वैल्यू निकालते हैं, हाफ एम वी स्केयर, ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर, हाफ का हाफ पड़ा है, एम की जगह एम पड़ा है, वी स्केयर की जगह क्या आ गया, टू जी एच। तो टू से टू कट गया, हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, एम जी एच। यानी ई के कितनी आ गई, एम जी एच, ई के कितनी आ गई, एम जी एच। तो यहाँ अगर अपने टोटल एनर्जी निकालें, क्या निकालें, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, तो क्या होगी, टोटल पॉइंट सी पे क्या होगी, एम इज इक्वल टू ई पी प्लस ई के, ई पी जीरो है और ई के की वैल्यू एम जी एच है, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, एम इज इक्वल टू एम जी एच। यानी इक्वेशन नंबर थ्री, वन, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री, दोनों तीनों ये बताती है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्वड एट ए बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ऑल द पॉइंट्स रिमेन्स कंजर्वड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। चलो समझिए इसको दोबारा से, किस तरीके से मैंने समझाया दोबारा से, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, लंबा डेरिवेशन है परंतु बहुत ही आसान है। दोबारा से एक एक पॉइंट को समझाता हूँ आपको, एक बार आप साथ साथ में नोट भी कर लेना। चलो समझते हैं, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में क्या था भाई, प्रूव दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। यानी किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमेशा ही कंजर्व रहती है, ये हमें बताना था, ठीक है, बताना था। तो बताएंगे भाई, बताएंगे तो सबसे पहले देखो डायग्राम को समझना है, किसको समझना है, डायग्राम को समझिए। ये एक मास एम की बॉडी है जिसको एच हाइट तक आपने ले गए और बाद में इसको थोड़ा सा छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो थोड़ी एक पॉइंट को मान लिया हमने पॉइंट बी और एक पॉइंट मान लिया हमने पॉइंट सी जो कि वापस ज़मीन पर पहुँच चुका है। तो ये हाइट एच है और ये अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स हो तो ये कितना हो जाएगा, एच माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है।
तो चलो अपने एक एक पॉइंट पर निकालना है, एक एक पॉइंट पर अगर वो सेम आ गई m तो यानी क्या होगा, रिमेन्स कंजर्व्ड होगी, वरना वो कंजर्व नहीं रहती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पॉइंट ए पर, एट पॉइंट ए, एक पॉइंट पर क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब ऊपर उठाते हैं तो उसमें स्टोर होती है एनर्जी, कौन सी, पोटेंशियल, और वो मूव नहीं कर रहा इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी ई पी, और ई के की वैल्यू नहीं होगी, ई के क्या होगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो ई पी की वैल्यू एम जी एच होती है, तो और ई के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, जीरो। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच प्लस जीरो, यानी एम जी एच, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। यानी टोटल एनर्जी मैकेनिकल कितनी आनी चाहिए, तीनों पॉइंट पर एम जी एच आनी चाहिए, तभी वो कंजर्व रहेगी, वरना वो कंजर्व नहीं होगी। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट बी पे देखा, क्या देखा, पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पे जब वो पहुंचेगा तो उसमें दोनों ही एनर्जी होंगी, एक तो उसमें पोटेंशियल होगी और एक इसमें काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगी, दोनों एग्जिस्ट करेंगी तो क्या होगा, उन दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होगा। ई पी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, और ई पी की वैल्यू क्या आएगी, एम जी एक्स, क्योंकि अब उसके पास स्टोर की गई एनर्जी एक्स साइड तक की है, वो तो उसने यूज कर ली, यानी कितनी बची हुई है, एक्स बची हुई है, तो ई पी की वैल्यू हो जाएगी एम जी एक्स। ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर नहीं पता अपने को, वी स्क्वायर नहीं पता तो हम क्या यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, टू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन अगर ना हो तो वहाँ आप ग्रेविटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो वी स्क्वायर का वी स्क्वायर, यू स्क्वायर यहाँ पर जीरो है क्योंकि वो इनिशियली नहीं मूव कर रहा था, इसलिए यू स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ जाएगी। टू की जगह टू, ए की जगह जी, क्योंकि ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन एक ही बात है, जी का मतलब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और एस यानी डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट वो चल गया, और चला कितना है, एच माइनस एक्स चला है, एम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया तब तक उसने एच माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तो एक्स की जगह आ जाएगा एच माइनस एक्स। ठीक है, हो गया। अब बात करें कि वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई टू जी एच माइनस टू जी एक्स। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में रखेंगे इसमें, क्योंकि वी स्क्वायर की वैल्यू इसीलिए निकाली थी कि हमें ईके के अंदर इसकी वैल्यू रखनी थी, तो ईके के अंदर वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एम जी एच माइनस एक्स, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये होगी ईके की वैल्यू। और इसी पॉइंट बी पर ई पी की वैल्यू क्या थी, एम जी एच एम जी एक्स, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगी, एम इज इक्वल टू ई पी प्लस ई के, ई पी की वैल्यू एम जी एक्स, और ई के की वैल्यू एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो एम जी एक्स से एम जी एक्स अपोजिट साइन होने की वजह से कट गया, और कटते ही हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी आई पॉइंट बी पे, वो भी कितनी आई, एम जी एच आ गई। यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी सेम है। फिर बात करते हैं अपने पॉइंट सी पर, किस पर, पॉइंट सी पर या बिंदु तीन पर। तो बिंदु तीन पर स्थितिज ऊर्जा का मान जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब वो सारी की सारी एनर्जी किसमें बदल गई है, काइनेटिक में। तो ई पी की वैल्यू जीरो, और ई के की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर होती है, वापस से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे उसी न्यूटन की थर्ड इक्वेशन से, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे, तो वो क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। एच क्यों आया, क्योंकि अब उसने कितनी हाइट एनर्जी, सॉरी उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, एच हाइट तक पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट उसने कर लिया है, इसलिए क्या आया, एस की जगह एच आ गया। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आई टू जी एच, वी स्क्वायर की वैल्यू टू जी एच को जब इस फॉर्मूले में रखा तो हमारे पास क्या बन गया, एम जी एच आ गई, ई के की वैल्यू क्या आ गई, एम जी एच। और पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी का मान तो जीरो था, वैल्यू तो उसकी जीरो थी, ई के की वैल्यू एम जी एच है, तो इसलिए एम इज इक्वल टू ई पी प्लस ई के इज इक्वल टू जीरो प्लस एम जी एच हो जाएगा, और एम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, एम जी एच। तो जब आप तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, इक्वेशन नंबर वन टू थ्री, तो क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी, और वो आपने प्रूव कर दिया। देखो कितनी अमेजिंग चीज़ है, कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी थी,
यहाँ पता चलता है कि साइंस के जो लॉज हैं वो सिर्फ बनाए नहीं गए हैं, उनको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि कोई किसी भी बॉडी की एनर्जी जो यहाँ पर थी वही एनर्जी यहाँ पर हो रही है और वही एनर्जी ग्राउंड लेवल पर हो रही है। तो देखिए कितना अमेजिंग चीज़ है, आपने एक बहुत नई चीज़ सीखी आज। और मैं बता देता हूँ कि ये बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप पढ़ते रहिए। और दोबारा अगर आपको समझना हो तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज़ को डालिएगा ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो ये था टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। उसी के साथ साथ हमने आज पोटेंशियल एनर्जी को भी पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग, और स्प्रिंग के साथ साथ पेंडुलम, जो आपकी इसी चैप्टर के हिस्से हैं। और लास्ट में थोड़ा सा एक आधे दिन का चैप्टर और रहेगा जिसमें कुछ एनर्जीज हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी बातें और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कल करेंगे। ओके, तो बी विद अस, जॉइन विद अस टू सी ए डिफरेंस। माई सेल्फ नितिन सुथार गिविंग यू द लेक्चर्स रेगुलरली, सो बी विद अस, जॉइन विद अस। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। गुड बाय।